सो फाइनली दोस्तों आखिरकार डंकी की ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। जी दोस्तों, डंकी जो है अब 22 दिसंबर 2023 को ऑफिशियली रिलीज होगा। भाई हेटर लोग जमकर नाच रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जी हाँ 22 तारीख को आखिरकार तीसरी फिल्म इस साल की पठान, जवान और डंकी रिलीज होने वाली है। अब दोस्तों दबा के फेक फोर पर बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, फेक कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और भाई साहब स्क्रीन पर कब्जा शुरू हो चुका है। डंकी आखिरकार रिलीज हो रही है, तरण आदर्श ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे दी है। भाई साहब हेटर्स लोग जमकर नाच रहे हैं और जितने भी एसआरके के फैंस है वो कुछ इस प्रकार नाच रहे हैं। भाई लोगों वीडियो को देखो, कैसे एसआरके फैंस रमैया अवस्था भैया रमैया, देखो देखो इस वीडियो को देखो यार, भाई मजा आ रहा है भाई। मतलब कुल मिला के भाई साहब हेटर लोग इस बात से भी खुश है कि भैया सलार ना खूब अब रिलाई करेगा डंकी की, खूब डंकी की पलाई शुरू। मतलब ये फिल्म 2023 की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर इज लोडिंग दोस्तों। मैं बात लिख के दे रहा हूं, लाइक कमेंट करना, अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों अभी ब्रेकिंग न्यूज मैंने बताई, डंकी रिलीज हो रही है 22 तारीख को, क्लैश भी थे सलार और सलार का बुक माई शो पे इंटरेस्ट है 3,75,000 से ऊपर और वही डंकी 88,000। अब देख लो कौन है बाप। जी हां सलार का बुक माई शो पे इंटरेस्ट देखा भी, अरे भैया डंकी। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई जो बज बना हुआ है एज पर फेक रिपोर्ट, फेक मीडिया, फेक पीआर की बदौलत डंकी को बहुत ज्यादा सुप्रीम दिखाया जा रहा है। सलार तो कह रहे हैं कि सलार बिल्कुल फ्लॉप जाएगी। भाई साहब ये लोग लगता है भूल गए हैं, हेटर्स लोगों को लगता है ज्ञात नहीं है कि जब दोस्तों जीरो फिल्म के साथ रिलीज हुई थी ना केजीएफ, भाई साहब केजीएफ ने फाड़ दिया था और जीरो वाकई में जीरो में पहुंच गई थी। मतलब भैया आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले डंकी का जो टीजर बताओ दोस्तों, डंकी का जो टीजर है ऐसा कहा जा रहा है कि 2 नवंबर 2023 को आएगा और 2 नवंबर को शाहरुख खान जी का बर्थडे भी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जवान भी स्ट्रीमिंग होगी। तो कुल मिला के 2 तारीख केवल शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान ही मचेगा दोस्तों हर जगह, आपको बता दूं। उसके बाद इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो ऑब्वियसली यार 22 तारीख को फिल्म आ रही है तो शाहरुख खान की फिल्मों का ट्रेलर एक हफ्ते बाद आएगा, तो भाई दिसंबर के फर्स्ट वीक में ट्रेलर आने की उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों इस फिल्म की बज बहुत ज्यादा अब तो बन चुकी है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि तरण आदर्श क्या भरोसा, तरण आदर्श ने तो यह भी कहा था कि एनिमल फिल्म जो है वो गदर 2 के साथ भिड़ेगी और एनिमल फॉर श्योर गदर के साथ क्लैश करेगी। लेकिन क्या हुआ, एनिमल भी भगोड़ी निकली ना गदर के सामने। भाई यही सेम हाल तो हो रहा है इस फिल्म का। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि डंकी भी भगोड़ी निकलेगी और दोस्तों ये हाइप बनाने के लिए एक मार्केटिंग स्टंट हो रहा है। अगर ये रिलीज होती है तो भी सलार मार लेगी और दोस्तों अगर ये नहीं रिलीज होगी तो भी दोस्तों हम सबको पता है कि ये भगोड़ी निकली। अब आप बताओ क्या होगा, ये फिल्म रिलीज होगी तो भी मजा है हमें और ना रिलीज हो तो भी मजा है हमें, हमें तो दोनों तरफ से फायदा है। सलार भाई साहब कहा जा रहा है कि 23 अक्टूबर को सलार का एक और टीजर आ सकता है या फर्स्ट ट्रेलर आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास का बर्थडे है ऑलमोस्ट, और कहा जा रहा है कि 23 तारीख को भाई साहब इतना ज्यादा बज मचने वाला है सलार का कि भाई साहब सलार फिल्म का बुक माई शो पे इंटरेस्ट अभी 3,75 है। कुछ ना कुछ रिपोर्ट अपडेट आ गई, पोस्टर आ गया, भाई साहब 5,00,000 क्रॉस कर जाएगा और अभी डंकी का 88,000 है। मतलब डंकी को फेक कॉर्पोरेट बुकिंग करनी पड़े तब जाके भाई साहब बुक माई शो पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों सलार का भी जो ट्रेलर है वो लगभग दिसंबर में ही आएगा फर्स्ट वीक में, लेकिन सलार का 2 ट्रेलर रिलीज होना है तो एक तो अक्टूबर में आएगा दूसरा नवंबर में आएगा। सबको पता है यार कि मैंने बार बार बता रखा है कि सलार जो है प्रशांत नील की फिल्म है, प्रशांत नील बहुत बड़े उलझे सुलझे डायरेक्टर है। प्रशांत नील होमबेल प्रोडक्शन हाउस जब मिल जाते हैं तो फिल्में लाइक केजीएफ यूनिवर्स पूरा और सलार दोस्तों एक दूसरे से इंटरलिंक है, यश का कैमियो है और ये फिल्म बहुत बड़े बैनर की लगभग 250-300 करोड़ की फिल्म है और दोस्तों प्रोजेक्ट के भी आने वाली है प्रभास की, तो आप ये भूल नहीं सकते हैं। हालांकि दोस्तों फाइट हो रही है स्क्रीन्स को लेकर डंकी का, दोस्तों कुल मिला के फेक पीआर हो रहा है, जितने भी छपरी लोग हैं अब उन्होंने काम पे धंधे पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब इनको 500-500 रुपए मिल रहे हैं छपरी लोगों को क्योंकि भैया डंकी आ रहा है। लेकिन हमें तो मजा आने वाला है भाई, क्योंकि 22 दिसंबर को ना जनता सलार को देखेगी, सलार को सपोर्ट करेगी। और रही बात डंकी की, भाई साहब ड्रामा फिल्म है कोई नहीं जाएगा और सलार एक्शन है, मास है, मसाला है, सीटियां बजेगी। जी हां और आपको बता दूं कि जब प्रभास की एंट्री होगी, यश की एंट्री होगी, थिएटर पागल हो जाएगा, गूज बम्स हो जाएंगे दोस्तों, गूज बम्स। और वही दोस्तों डंकी फ्लाइट
सीरियसली भाई सलार खा जाएगा डंकी को। हमने दोस्तों ये सिचुएशंस फेस की थी कि जब दो बड़ी फिल्में रिलीज होती है, शाहरुख खान जो है बेसिकली दोस्तों स्क्रीन पर कब्जा कर लेते हैं और अपने आगे जो भी कंपटीशन में स्टार होता है उसको स्क्रीन कम दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यार ये इनका नेचर है भाई ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन ले लेना, सोलो रिलीज मांगता है। अब लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कर्मा जो है वो बिच है, ठीक है, समय का पहिया घूमता है। जो हाल इन्होंने गदर के साथ किया था दोस्तों सेम आपको बता दो डंकी के साथ यही होने वाला है। डंकी भी सोलो रिलीज नहीं हो रही है, अच्छी बात है, इसको पता चलेगा भाई ये लोग जो छपरे लोग लालटेन लेके घूमते हैं ना कि भाई साहब सुबह सुबह 6 बजे शो देख लिया, SRK ने फाड़ दिया, थिएटर में आग लगा दी है, बॉक्स ऑफिस 100-100 करोड़ की हो रही है। भाई साहब इन लोगों को तब पता चलेगा जब एक तरफ सलार के फैंस पागल हो रहे होंगे, एक तरफ SRK उनकी सकल देख रहे होंगे अरे भाई क्या हो गया, अरे भाई लगता है फेक कॉर्पोरेट बुकिंग काम नहीं आया क्या, अरे भाई फेक पीआर करो, जल्दी से फेक पीआर करो। भाई साहब ऐसे छटपटाने लग जाएंगे बगैर पानी के मछली। जी हाँ दोस्तों, और वही दोस्तों सलार के फिल्म डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर और दोस्तों जनता को पूरा सपोर्ट है। जनता दोस्तों पूरी तरीके से श्योर है कि सलार बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी। और रही बात दोस्तों सॉन्ग की और पोस्टर्स की, तो कमेंट भी आए थे लोगों की सर पोस्टर कब तक आ सकता है। देखो यार अभी डंकी या कुछ ना कुछ 2 तारीख को आएगा, हो सकता है पोस्टर भी शेयर किया जाए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ, क्योंकि कई सारी अफवाहें फैल चुकी है, लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिल्म आएगी कि नहीं आएगी। दोस्तों आएगी तो भी रिलाई होगी और नहीं आएगी तो भी रिलाई होगी, तो आप सोचो दोस्तों क्या होने वाला है। इसके बाद अब बात होगी भाई कि क्या बोलते हैं सलार के बारे में। तो भैया आपको पता ही है कि सलार जो है रिलीज से पहले ही अपने सारे डिजिटल राइट जो है उसके प्री रिलीज प्रॉफिट कमा लेती है, और सलार का ट्रेलर भी जल्दी आने वाला है, फर्स्ट ट्रेलर, और उम्मीद करते हैं कि नया पोस्टर से रिलीज होगा अदर कास्टिंग के। तो दोस्तों ये दो बड़ी फिल्मों का जो मेरे पास अपडेट आए थे मैंने बता दिया है। कितने ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये दोनों फिल्म भी रिलीज होती है तो थिएटर में जाके कौन सी फिल्म देखोगे और मोबाइल में कौन सी फिल्म देखोगे, कमेंट करके बताओ कौन सी फिल्म बाजी मारेगी। क्या दोस्तों वाकई में डंकी जो है सलार को बीट करेगी या छपरी लोगों के सपने हैं ये, कमेंट करके बताओ। अपने भाई को प्यार दो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट भाई जरूर करके बताओ अपने विचार, सलार को सपोर्ट करोगे या डंकी को करोगे। दोस्तों जय हिंद जय भारत और थैंक यू वेरी मच यार इतना प्यार देने के लिए आप लोग कमेंट से मेरा